Hi, Libra, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Libra? Libra, thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली रियली मीन्स अ लॉट. वैसे बाय द वे, अप टू 40% ऑफ है पर्सनल रीडिंग्स है. मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करो और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवाओ. लीब्रा, इट्स हाई टाइम दैट यू शुड गो एंड गेट योर पर्सनल रीडिंग डन. ये बहुत जनरल रीडिंग होती है, ठीक है? सो लेट्स चेक. ये वीडियो दो पार्ट में डिवाइडेड है, जनरल रीडिंग एंड लव लाइफ रीडिंग. टाइम स्टैम्प नीचे मेंशन है. ओके, लेट्स चेक एंजल्स. पहले हम देखते हैं आज के लिए एंजल मैसेज. बहुत टाइम हो गया एंजल मैसेजेस निकाले हुए. लेट्स सी व्हाट इज द एंजल मैसेज फॉर लीब्रा. राधा, सोल फ्लेम, री डिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप, हार्मनी एंड हीलिंग. ओके, जितना मुझे दिख रहा है राधा की एनर्जी से, योर एंजल्स राधा 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 रानी आपको ये बता रही हैं कि थोड़ा ना अपने बिजी शेड्यूल से ना कुछ वक्त अपने लिए निकालो, कुछ वक्त अपने लिए निकालो, कुछ वक्त अपने लिए निकालो. क्योंकि देर इज समथिंग कि जैसे जो चीज़ आपको बचपन में करना पसंद थी, शायद आज आपके लिए उसके लिए टाइम ही नहीं है. सो देर इज समथिंग इन योर लाइफ दैट यू आर मिसिंग आउट. तो सोचो क्या वो ऐसी चीज़ है, क्या वो ऐसे मोमेंट्स हैं जो मैं मिस कर रहा हूँ. तो उस चीज़ को फिर से दोबारा जीने की कोशिश करो, ट्राई करो. एंड इस मंथ आपका रिलेशनशिप बिटवीन योर पेरेंट्स, बिटवीन योर फ्रेंड्स, बिटवीन योर लवर विल ऑल्सो बी ग्रेट. सो दिस इज़ द मैसेज फॉर यू. लेट्स चेक एनर्जी ओरेकल से आपके लिए क्या मैसेज आता है. मैसेज फॉर लीब्रा, राधा रानी की ब्लेसिंग्स आप सब तक हैं. सेकेंड चक्र आर्क एंजल एरियल. सी, दोनों कार्ड्स का सिमिलर मतलब है. आई वॉज सेइंग ना, जैसे अगर बचपन में आपको पेंटिंग करने का काफ़ी शौक था, बट अभी आप बड़े हो गए और बिजी लाइफस्टाइल में आपको टाइम नहीं है. सो इट्स हाई टाइम दैट यू शुड एटलीस्ट स्टार्ट पेंटिंग संडेज को, 1 घंटा निकाल के, आधा घंटा निकाल के कुछ क्रिएटिविटी करने की ज़रूरत है. एंड सेकेंड चक्र आर्क एंजल एरियल का यही होता है कि आपका जो सैक्रल चक्र है वो एक्टिवेट हो रहा है, विच मीन्स दैट आपकी क्रिएटिविटी लेवल इंक्रीज हो रही है लीब्रा, आपका सेंशुअल पावर्स इंक्रीज हो रही है, आपका अट्रैक्टिव लेवल बहुत इंक्रीज हो रहा है दिस मंथ, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर लीब्रा. लेट्स चेक टैरो से आपके लिए क्या मैसेज आता है. ये है मेरी न्यू डेक, लेट मी शो यू द टेंसिल डाउन टैरो. बहुत फन डक है डक नहीं, डेक है. बहुत ही इंटरेस्टिंग डेक है वैसे. एंजल्स, हाई विंग्स, एंसेस्टर्स, मैसेज फॉर लीब्रा इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. आप लोग की क्रिएटिविटी स्किल्स काफी इंक्रीज हो गई. आई एम जस्ट गेटिंग दिस. बहुत बहुत सुंदर कार्ड्स आए हैं. बहुत फेमिनिन एनर्जी बहुत है. इट्स फुल्ली फेमिनिन एनर्जी. आपकी फेमिनिन एनर्जी इंक्रीज होगी. टेम्परेंस, अमेजिंग. अगेन अ फेमिनिन कार्ड. पेज ऑफ कप्स, द वर्ल्ड. टेम्परेंस अ वेरी पॉजिटिव कार्ड. टेम्परेंस का मतलब यही होता है कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस बना के चलोगे एंड सम गुड न्यूज इज कमिंग इन योर वे. पता नहीं, बहुत जोडियाक साइंस का यही एक स्पेसिफिक मैसेज आ रहा था कि आपकी लाइफ में कुछ गुड न्यूज, कुछ गुड चीज़ें होने वाली है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. सो जितना मुझे लग रहा है विद द टेम्परेंस कार्ड, आई कैन सी दैट कि आपकी लाइफ में सम गुड न्यूज, सम गुड बिगिनिंग्स और एक टोटल बैलेंस लाइफ आप अटेन कर पाओगे इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, विच इज़ अ कार्ड ऑफ क्रिएटिविटी. ये मेरा पर्सनल कार्ड है क्रिएटिविटी का. 3 कार्ड्स तो आपके क्रिएटिविटी के आए, तो आपका क्रिएटिविटी लेवल इंक्रीज होगा, आपके अंदर एक अट्रैक्शन लेवल इंक्रीज होगा, आप काफ़ी रोमांटिक मिजाज के लड़के और लड़की बनोगे. आपका एक फुल ऑन ऑरा ना विल बी फुल ऑफ लव एंड फुल ऑफ हैप्पीनेस इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. द वर्ल्ड का कार्ड है, तो जितना मुझे लग रहा है जो जो जिनका पीआर का कुछ इश्यूज था, जो बाहर अब्रॉड जाना चाहते थे, उनका पीआर, उनका वीज़ा इस मंथ क्लियर होने वाला है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. द वर्ल्ड ऑल्सो सिग्निफाइज क्लोजर ऑफ समथिंग. मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग शायद कुछ कुछ पास्ट में कुछ बुरी चीज़ें चल रही थी. आई एम टेलिंग यू अक्टूबर मंथ में उन सब साइकिल्स का एंड होने वाला है एंड न्यू बिगनिंग्स आने वाली हैं आपकी लाइफ में. द वर्ल्ड विद टेम्परेंस, दो मेजर अरकाना कार्ड हैं, विच मीन्स दैट
अक्टूबर बहुत अच्छा मंथ होगा, बहुत पॉजिटिव मंथ होगा, गुड न्यूज़ आएगी, ट्रैवल अप, यू गाइस विल ट्रैवल अब्रॉड, बहुत लोग का पीआर एंड वीज़ा क्लियर होने वाला जितना मुझे दिख रहा है, एंड क्रिएटिविटी लेवल इंक्रीज होगी, ओवरऑल एक बैलेंस का लाइफ रहेगी आपकी, फुल ऑफ, एंड योर एनर्जी विल बी फुल ऑफ रोमांटिक एनर्जी. रोमांटिक एनर्जी आती किस से? पॉजिटिव एनर्जी से आती ना. सो आपके लिए, सबके लिए ना, आप सबके लिए एक पॉजिटिव थॉट रखोगे, एक पॉजिटिव ऑरा रखोगे, एंड आपका ऑरा भी एकदम सॉफ्ट फेमिनिन लाइक अ पिंक कलर में जाएगा आपका ऑरा, जितना मुझे दिख रहा है फॉर मेनी ऑफ योर लिब्रास. सो ग्रेट ग्रेट मंथ. लेट्स चेक योर लव लाइफ रीडिंग फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स. हाई लिब्रा एंड वेलकम टू योर लव लाइफ रीडिंग. मैं चाहती हूँ लिब्रा, आप अपने फर्स्ट अपने माइंड में कोई क्वेश्चन पूछो अपने लव लाइफ से रिलेटेड. आई होप उस क्वेश्चन का आंसर इस डेक में मिले आपको. सो लेट्स चेक आंसर्स फॉर लिब्रास क्वेश्चन. आंसर्स फॉर लिब्रास क्वेश्चन. ओके, कार्ड आया है एम्ब्रेस. एम्ब्रेस थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस. यार अपनाओ, यार अपनाओ अपने पार्टनर को, एक्सेप्ट करो अपने पार्टनर को, तभी प्यार मुमकिन. जब तक आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे, जब तक आप उन्हें अपनाओगे नहीं, तो कैसे प्यार मुमकिन होगा? जो चीज़ें आप मिस कर रहे हो ना, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप लोग ना अपने पार्टनर को अपने एक्स के साथ कंपेयर कर रहे हो. एकदम से मुझे एनर्जी आई, यू आर कंपेयरिंग योर पार्टनर विथ योर एक्स. सो प्लीज़ काइंडली स्टॉप डूइंग दैट एंड एक्सेप्ट द वे दे आर. तो जो आपको मिस हो रहा है ना, जिस जिन चीज़ों से आप मिस कर रहे हो, वो सब चीज़ें ना आपकी फुलफिल होने वाली है लिब्रा. वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर मेनी ऑफ यू लिब्रा. लेट्स चेक लवर्स ओरेकल से आपके लिए क्या मैसेज आता है. लव लाइफ फॉर लिब्रा इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. मेजर चेंजेस, वो तो दिख ही रहा था जनरल रीडिंग में भी. ट्रू लव, ओ वाओ, अमेजिंग. सेल्फ रिस्पेक्ट, अमेजिंग कार्ड लिब्रा. लिब्रा, डू आई नीड टू एक्सप्लेन यू दिस कार्ड? आई डोंट थिंक सो. बट मेजर चेंजेस होने वाली हैं आपको, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड. ट्रू लव है, जिस भी आपने अपने पार्टनर को रखना है, वो आपका सच्चा प्यार है. एंड अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करके रखो इस रिलेशनशिप में, ठीक है? लेट्स चेक एंजल्स हैविंग्स एंसेस्टर्स लव लाइफ फॉर लिब्रा इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. चिड़िया भी बोल रही हैं, विच मीन्स दैट योर एंजल्स आर विथ यू राइट नाउ. टू ऑफ वॉन्ड्स, अमेजिंग. देखो वर्ल्ड का भी कार्ड आया था. थ्री ऑफ कप्स, ओके ग्रेट. टेन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड डेथ. ओके, बॉटम ऑफ द डेक हाई प्रिस्टेस. बड़े इंटरेस्टिंग कार्ड्स आए हैं लिब्रा, आपके तो हमेशा ही इंटरेस्टिंग, बड़े इंटरेस्टिंग कार्ड्स आते हैं. ग्रेट कार्ड्स. ओके, मुझे जितना दिख रहा है, फॉर मेनी ऑफ यू लिब्राज, योर आपकी एनर्जी तो अच्छी है, फुल ऑफ पैशन, फुल ऑफ एनर्जी, वांट टू टेक, मतलब सीरियस हो आप अपने पार्टनर के लिए. आपकी एनर्जी इज परफेक्ट है. आपका पार्टनर, आपके पार्टनर ने तो आपको फ्रेंड जोन करके रखा हुआ है. They have still friend zoned you. मतलब they are taking slowly, go with the flow kind of a thing. तो उन्होंने तो अभी आपको friend zone करके रखा है. उन्हें ऐसी कोई feeling नहीं है. They think that you are a really good friend of theirs. Okay. Mutual energy, ten of swords. आप खुश नहीं हो कि उन्होंने आपको friend zone करके रखा है. You are like, ये क्या है, ये क्या नौटंकी है, तुमने मुझे friend zone करके रखा है. Okay. मैं आपको timeline भी बताऊँगी. Okay. एंड लिब्रा बाय द वे, जिन भी लिब्रास का बर्थडे अक्टूबर में आता, विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे. आई एम सो सॉरी, आई कम्प्लीटली फॉरगॉट. लिब्रास, हैप्पी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे. ओके, लाइकली एडवाइस है क्वीन ऑफ सोर्ड्स की, विच मीन्स दैट आप अपना बेस्ट बिहेवियर दो लिब्रा. आपका पार्टनर ने आपको, ये बहुत, ये पूरा प्योर केस ऑफ फ्रेंड जोन है. दिस इज द प्योर केस ऑफ फ्रेंड जोन. सो यू डोंट लूज होप लिब्रा. आप अपना बेस्ट बिहेवियर रखो, बट अपनी एग्जैक्टली अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बना के रखो. क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ही होता है सेल्फ रिस्पेक्ट का कार्ड. पूरे डेक में ना सिर्फ क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड होता है सेल्फ रिस्पेक्ट का. सी शी इज स्टैंडिंग लाइक अपराइट एंड एकदम स्ट्रांग है. शी इज़ लाइक
मैं झुकने नहीं वाली, सेम। अगर मैं आपको ना, और लाइकली आउटकम डेथ है, डेथ का ना देखो सिग्निफिकेंट ना दो चीज़ होंगी, ईदर दिस रिले ईदर द रिलेशनशिप बिटवीन यू टू विल स्टार्ट और इट विल एंड ना। ये ना दोनों एंडिंग्स के कार्ड हैं, ये दोनों स्ट्रांग एंडिंग्स के कार्ड हैं। देखो मैं आपको फॉल्स होप नहीं देना चाहती हूँ, विद दीज टू कार्ड्स एंड दीज टू कार्ड्स आई वुड गिव यू अ वेरी स्ट्रांग एडवाइस लीब्रा, जिस भी पार्टनर को आपने रखा हुआ है आप। और डेथ का मतलब भी होता है विच इज़ द स्कॉर्पियो सीजन। सो स्कॉर्पियो सीजन बिगिन्स फ्रॉम 21 अक्टूबर टू 22 नवंबर। सो आई वुड सजेस्ट यू कि इस रिलेशनशिप को, इस फ्रेंड जोन वाली चीज़ को ना आप टाइम दो 22 नवंबर तक। अगर 22 नवंबर तक चीज़ें सही हो जाती हैं, आप लोग रिलेशनशिप में आ जाते हो, या आपका वो आपका प्यार एक्सेप्ट कर लेती हैं, ऑल एंड वेल। बट अगर 22 नवंबर तक उन्होंने आपको फ्रेंड जोन करके रखा है और आप वन साइडेड लव कर रहे हो, देन लीव देम। मैंने आपको टाइमलाइन दे दिया है 22 नवंबर तक। दिस इज द डेथ कार्ड विच सिग्निफाइज द स्कॉर्पियो सीजन एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स विद सेल्फ रिस्पेक्ट का कार्ड का मतलब ही यही होता है कि आप अपना बेस्ट दो, यू गिव योर बेस्ट, यू टॉक टू देम। बट अगर आप इग्नोर हो रहे हो, अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आप उन्हें 10 बार मैसेज कर रहे हो और वो 3 दिन बाद रिप्लाई कर रहे हैं, देन हैव योर सेल्फ रिस्पेक्ट। ठीक है, मैं आपको 22 नवंबर तक का टाइमलाइन दे रही हूँ। 22 नवंबर तक ये आपको आपका लव नहीं एक्सेप्ट करते हैं, इट्स ओके, यू प्लीज मूव ऑन। बट पीछे मत पड़ो इनके, क्योंकि फोर्स करोगे चीज़ों को, पीछे पड़ोगे तो वो शायद भाग सकते हैं, उनकी भागने की भी एनर्जी दिख रही है मुझे। सो ओवरऑल जो कार्ड्स की एनर्जी है, और एंड आपका ना, मैं आपको सच बताऊँ, यू डोंट इवन लव देम, यू आर जस्ट लाइक, यू आर लाइक यू हैव अ क्रश ऑन देम, यू आर वेरी फिजिकली अट्रैक्टेड विद देम। तो आपकी तरफ से भी मुझे ऐसा कुछ प्यार प्यार नहीं दिख रहा है। बट स्टिल इफ यू लाइक देम तो उनको 22 नवंबर तक का टाइम दो। ये बहुत स्ट्रांग टाइम बता रही हूँ मैं लोगों को, अपने क्लाइंट्स को भी मैं टाइमलाइन बताने लग गई हूँ कि इतने टाइम तक आप उन्हें टाइम दो। वो अगर आपकी लाइफ में नहीं आते, आप काइंडली मूव ऑन करो। सो दिस इज़ अ मैसेज फॉर यू, आ जाते हैं वेल एंड गुड, ऑल द बेस्ट टू यू, बट अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करो। बहुत लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन करके उनसे बात कर रहे हैं, वो 10 दिन बाद रिप्लाई करते हैं, आप उन्हें 1 मिनट में रिप्लाई कर देते हो। करो, गिव योर बेस्ट, बट अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करो एंड 22 नवंबर तक टाइम दो। दिस रिलेशनशिप कैन ईदर स्टार्ट और इट कैन एंड। डेथ का कार्ड है, इट्स नॉट अ जोक। ओके लीब्रा, आई होप यू लाइक माई रीडिंग्स। इफ यू लाइक इट सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।